हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और आप लोग हैं इस वक्त मेरे घर पे और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा केक रखा है। ये केक आप लोगों ने भेजा है मेरी बर्थडे के लिए और बहुत 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 धन्यवाद। एवरी बर्थडे आप लोग मुझे इतने खूबसूरत केक भेजते हैं कि काटने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी काटना पड़ेगा, रिवाज है। और अगर मैं नहीं काटूंगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसमें एक कैंडल लगा लेता हूँ। तो चलिए, अब कैंडल जल चुकी है और आप लोग वहाँ बैठे हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, तो मैं एक्सप्रेशंस दे देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गौरव, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। और पिछले साल मैंने आप ही लोगों का केक इस छोटे से चाकू से काटा था और मैंने संभाल के रखा था कि इस साल भी काटूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं है, नया साल है तो कुछ नया होना चाहिए, इसलिए कहानी में ट्विस्ट है, इस चाकू से केक काटा जाएगा इस बार। वाह वाह वाह। मैं खाऊंगा क्योंकि बर्थडे मेरी है और अगर मैं आपको पहले खिलाऊंगा तो आप बुरा मानेंगे, तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ आपकी तरफ से। इधर से बहुत अच्छा केक है, टेस्ट करेंगे आप ही के पैसों का। तो बहुत 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 शुक्रिया एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग मेरे काम को इतना पसंद करते हैं और मेरे घर तक आपने केक भेजा, एंड बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली साथ ना हो तो आप लोगों का साथ बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ मैं। एंड मुझे लगता है बर्थडे हर महीने एक बार आनी चाहिए ताकि आप लोगों से मुलाकात हो सके और ऐसे बहुत ही टेस्टी केक खाने को मिल सके। ये केक के साथ साथ मुझे बड़े खूबसूरत से फूल भेजे हैं आप लोगों ने और आई विल चेरिश दिस, क्योंकि ये सबसे पहला गिफ्ट है सीज़न का मेरा, इस साल का मेरा, अगर मैं बोलूँ इस बर्थडे का। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी पहले आप लोगों ने मुझे ये केक और ये फ्लावर्स भेजे हैं, तो हाउ डू यू पीपल मैनेज इट। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कैसे आप लोग इतनी बर्थडेज याद रखते हैं और इतने डेट्स को याद रखते हैं। मैं बहुत ही ख़राब हूँ, मुझे बर्थडेज किसी की याद नहीं रहती। बड़ी मुश्किल से मुझे मॉम डैड और मेरी दीदी की बर्थडे याद है, उसके अलावा आई एम वेरी बैड विद डेट्स। सो हैट्स ऑफ टू ऑल यू पीपल कि आप सिर्फ मेरी नहीं बल्कि अपने सारे एक्टर्स जो आपको पसंद हैं उनकी डेट्स याद रखते हैं। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ सारे न्यूज़ चैनल्स का एंड ऑल दी फोरम्स, क्योंकि उनके थ्रू ही हमें पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। एंड प्लीज़ 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 कीप लविंग अस एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल ट्राई टू जस्टिफाई योर लव टुवर्ड्स यू। मैं जानता हूँ आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि इस साल मैंने क्या प्लान किया है अपनी बर्थडे के लिए। मैंने सोचा था कि घर जाऊँगा और मॉम डैड के साथ बर्थडे बनाऊँगा, मैं वहीं था लेकिन एक शूट की वजह से मुझे वापस आना पड़ा है, तो अब वो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैंने सोचा कि बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करके क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। और अगर आप लोग वहाँ पे हैं तो आपसे मुलाकात हो सकती है मेरी, अगर आप इन लोगों को बताएंगे तो ये मुझे बता देंगे और मैं वहाँ आपसे मिल सकता हूँ। तो ये था मेरा न्यू ईयर तक का प्लान, उसके बाद तो मैंने सोचा नहीं है, और फिर देखता हूँ क्या होता है। बॉम्बे वापस आऊँगा एंड फिर कुछ नया काम करेंगे, फिर किसी नए शो में आपसे मुलाकात होगी और उसके सेट पे फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक हम ये केक को ख़त्म करते हैं और आप कहीं मत जाइए। मेरी हर बर्थडे मेरी मॉम काफ़ी धूमधाम से मनाती थी और मैं हर साल यही बोलता हूँ कि मेरे क्लास 12 तक हर बर्थडे में सारे क्लास के बच्चे आए हैं। मेरे ख्याल से कुछ 50-60 बच्चे होते थे, वो घर में कूदते रहते थे, और बॉम्बे में तो इतने बड़े घर नहीं होते कि 50-60 लोग आ पाएँ, लेकिन वहाँ पर कानपुर में इतने बड़े घर होते हैं तो काफ़ी मज़ा आता था। हम गार्डन वार्डन में काफ़ी खेलते थे। और अब मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे के जो घर हैं वहाँ पे मतलब आधे तो भारी रह जाएंगे। लेकिन जहाँ तक रही गिफ्ट्स की बात, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है लेकिन देना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये कार्ड लिखना और गिफ्ट्स खरीदना अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा लेज़ी आदमी हूँ। जो मिल जाता है उसको मैं बहुत प्यार से संभाल के रखता हूँ, नहीं मिलता है तब भी कोई इशू नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप लोग कार्ड्स के शौकीन हैं और गिफ्ट्स देने में बिलीव करते हैं तो आप लोग प्लीज़ एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, और मेरी तरह बिल्कुल ना बनिए, क्योंकि मैं कार्ड्स के बड़े अगेंस्ट हूँ और नो राइम एंड रीज़न। मुझे काफ़ी गिफ्ट मिले हुए हैं इस घर में, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एक ये है एक फ्रेंड्स की एक
पूरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये शो, तो मेरे एक फ्रेंड ने ये मुझे गिफ्ट की थी मेरे दो बर्थडे पहले। इसमें फ्रेंड्स के सारे सीजन हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है कि कैसे बिहाइंड द सीन होता था ये सब। मुझे लगता है कि हमारे इंडियन शोज का भी ऐसा बनना चाहिए, भले ही वो 10 साल ना चले फ्रेंड्स की तरह, लेकिन अगर 10 महीने में चलता है तो एक 10 पेज की किताब तो बन सकती है, इतने तो हम लोग भी अच्छे हैं। देखिए इस बार मुझे फिर नज बलिए का कॉल आया था, लेकिन बलिए ना होने की वजह से मैं उस शो में नहीं हूँ, तो इससे काफ़ी सवाल आपके जो हैं वो उनके जवाब आपको मिल गए होंगे कि पिछले 4 बार से वो लोग मुझे बुला रहे हैं और इस बार उनका कहना था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं कहा मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है अब, लेकिन आई एम स्टिल सिंगल एंड देखते हैं अब आगे क्या लिखा है लाइफ में। और आई जस्ट गो विद द फ्लो। इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं बॉम्बे में कि मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो सिंगल से मिंगल हो गए हैं, अब बेचारे रोते हैं क्योंकि अब उनको मतलब आपको पता है ना कि रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो मैं वो सब नहीं करना चाहता यार। इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं तो किसी एक लड़के को सब पे ध्यान देना चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। सो आई एम लाइक ब्यूटी इज आउट देयर एंड समबडी नीड्स टू अप्रिशिएट दैट एंड आई एम द फर्स्ट वन टू डू इट।